was just like the other people. Heard. I gave you so many references. Thank you. I thought you, I understand. Unless you don't change your statement, you can go, please. Can we have the next question, please? मोजेस दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नाइजीरिया में विक्टर नामी एक शख्स डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल करने के लिए आया और कहा कि मैं मुसलमानों के इखलाकियात से बहुत मुतासिर हुआ हूं और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि आप पूछें, लेकिन सवाल का जवाब मिलने के बाद इस शख्स ने 2-3 सवाल और कर डाले। इन सवालों के जवाब पाने के बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने जब इससे इस्लाम कबूल करने की पेशकश की तो कहने लगा मेरे और दो सवाल हैं। यहाँ डॉक्टर जाकिर नायक को बहुत गुस्सा आया और आपने इस शख्स को शट अप कह दिया और जाने को कहा। नाज़रीन, ये पहली बार हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नायक ने किसी को माइक छोड़ने को कहा हो और इसे शट अप भी कहा हो, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक नहायत तहम्मुल मिजाज शख्सियत के मालिक हैं। आए आपको इस पूरे वाकये की तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि डॉक्टर जाकिर नायक के इंग्लिश में दिए गए तमाम लेक्चर्स को उर्दू में हासिल कर सकें। नाज़रीन, इस शख्स का कहना था कि मैं ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ जहाँ एक से ज्यादा मजाहिब पर यकीन रखा जाता है और सबको माना जाता है। मेरे कई मुसलमान दोस्तों से ताल्लुकात हैं और मेरा मानना है कि मुसलमान और ईसाइयों में कई अच्छाइयां मौजूद हैं। मेरी आंटी मुसलमान हैं जबकि मेरे वालिद ईसाई हैं। अपने कई मुसलमान दोस्तों से मरगूब हूं और इनसे इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं इनके साथ मस्जिद भी जाता था। मैंने जीजीज और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा। दोनों में मुवासलत है। मैं ये चाहता हूं कि अगर दोनों पैगंबरों की तालीमात एक हैं तो मुसलमान और ईसाई मिलकर एक मंजिल की तरफ क्यों नहीं बढ़ सकते। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, यही सवाल मैं ईसाइयों से करता हूं। ईसाई जीजस की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे बल्कि खुद साख्ता अकायद की पैरवी करती है। ईसाइयत के अलावा सिर्फ मुसलमान है जो जीजस को अल्लाह का बरगजीदा नबी और पैगम्बर मानते हैं और इनकी तोहीन को हराम समझते हैं। कोई मुसलमान इस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के वो जीजस पर ईमान ना ले आए। हमारा मानना है कि जीजस की अल्लाह के हुक्म से मौजजाना पैदाइश हुई। वो अल्लाह की मदद से अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे और बीमारियों को शिफा बख्शते थे, लेकिन ईसाई इससे आगे निकल गए। इनके नज़दीक ये सब चीज़ें जीजस के ज़ाती इख्तियार में था और ईसाइयों ने जीजस को खुदा कहना शुरू कर दिया। हालांकि बाइबल में एक भी मुसनद आयत मौजूद नहीं है जिसमें जीजस ने खुदाई का दावा किया हो। अगर आप मुझे एक मुस्तनद आयत दिखा दें, मैं अभी ईसाइयत कबूल करने को तैयार हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक ने मजीद कहा कि यह दावा मामूली नहीं है। यह दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ईसाइयत को पढ़ा है, यहूदियत, हिंदू मत और दीगर मजाहब को पढ़ा है और इनकी तालीमात हासिल की हैं। मैं जानता हूँ कि बाइबल में कोई एक ऐसी आयत नहीं है। अपना गला फंदे में डालना कोई आसान काम नहीं है। यह चैलेंज अभी के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। मैं हर वक्त तैयार हूँ। कोई भी ईसाई किसी भी वक्त मुझसे मुनाजरा कर सकता है, लेकिन इसको मजबूत हवाला जात देने होंगे जो बाइबल की रेड लेटर लाइन से होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईसाई स्कॉलर्स का कहना है कि रेड लेटर लाइंस में जो बातें दर्ज हैं वो जीसस ने खुद फरमाई। स्कॉलर्स इन बातों पर ज्यादा एतमाद करते हैं। आप बाइबल को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जीसस के फरमान चर्च और मशीनरी गो की तालीमात के बिल्कुल बरक्स हैं। बाइबल में लिखा है कि जीसस ने कहा, मेरा बाप मुझसे बड़ा है, मैं इसी की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं करता बल्कि वही करता हूँ जिसका मुझे हुक्म होता है। इन बातों से साबित होता है कि जीसस ईसाई नहीं बल्कि मुसलमान थे, क्योंकि जो अल्लाह की बात मानने और इसके करे वो मुसलमान है। इस बात पर सारा हाल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर जाकिर नायक ने मजीद कहा कि बाइबल में चैप्टर मैथ्यू में लिखा है कि मत समझो कि मैं शरीयत और अंबिया के सिलसिले को खत्म करने आया हूँ, बल्कि मैं शरीयत को मुकम्मल करने आया हूँ। जब तक आसमान और जमीन कायम है, शरीयत की एक जर्ब और कलम का छोटा हर्फ भी हरगिज गायब नहीं होगा। जो कोई शरीयत पर अमल करे वो आसमानों में बरतर और जो इससे मुंह फेरे वो कमतर कहलाएगा। ये सब बातें बाइबल में रेड इंक से लिखी हुई हैं। स्कॉलर्स का कहना है कि ये सब बातें वो हैं जो जीसस ने खुद कही। जीसस ने तो यहाँ तक कहा कि पुरानी शरीयत पर भी अमल करना होगा, इसके बगैर जन्नत में दाखला मुमकिन नहीं। ईसाई पुरानी तो क्या अपनी शरीयत पर भी अमल नहीं करते।
गॉस्पल ऑफ जॉन्स में लिखा है, तुम जो बात सुनते हो वो मेरी नहीं मेरी बाप की है, मेरे अल्फाज मेरे अपने नहीं बल्कि मेरे बाप के हैं जिसने मुझे भेजा। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मुझे खुदा मानो, बल्कि हमेशा यही कि खुदा एक है। जीसस ने कहा, ऐ बनी इसराइल इन अल्फाज को सुनो, यसू एक आदमी जो खुदा की तरफ से मौजजात और इजाबात और निशानात के जरिए तुम पर गवाही देता है, जो इसने खुदा की मदद से इसके जरिए तुम्हारे दरमियान दिखाए। जैसा कि तुम जानते हो, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि ये सब बातें बाइबल में लिखी हैं, फिर ईसाई मिशनरी क्यों कह रहे हैं कि जीसस खुदा हैं? इनकी तालीमात से इनहराफ क्यों किया जा रहा है? वो बातें जीसस के नाम पर क्यों फैलाई जा रही हैं जो जीसस ने नहीं कही? चर्च और मिशनरी ग्रोह ईसाइयों को धोखा दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि आप जीसस को खुदा मानते हैं या पैगंबर? इस शख्स ने कहा कि मैं जीसस को पैगंबर मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि खुदा जीसस के जिस्म में आया था। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि ये कहाँ लिखा है? इस पर इस शख्स को कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ, गॉस्पल ऑफ जॉन्स में लिखा है कि खुदा जीसस के रूप में आया, लेकिन बात वही है, ये जीसस के अल्फाज नहीं है बल्कि ये बाइबल में करप्शन है और तहरीफ शुदा बात है। इस शख्स ने टोकते हुए कहा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि आपको अपने ही सहीफों का इल्म नहीं है, तारीख में सब बातें दर्ज हैं। जिस शख्स ने बाइबल में तहरीफ की वो ईसाई नहीं बल्कि यहूदी था। नाजरीन, यहाँ तक लग रहा था कि वो शख्स डॉक्टर जाकिर नायक की बातों को मान रहा है और इस्लाम कबूल कर लेगा। डॉक्टर जाकिर नायक ने इसे स्टेज पर बुलाया और कहा कि आप अल्लाह को एक और जीसस को पैगंबर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं? इस शख्स ने तमाम सवालात का हाँ में जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि माशाल्लाह, आपने सिर्फ शहादा देनी है। जिस पर इस शख्स ने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इसके बाद इस्लाम कबूल कर लूंगा। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि आपने बहुत सवाल कर लिए और मैंने हर सवाल का जवाब दिया, अब भी सवाल करना चाहते हैं? लोग इंतजार कर रहे हैं ताकि सवाल कर सकें, आप सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने तल्ख लहजे में कहा, आपने हर सवाल के लिए कहा इसके बाद आप इस्लाम कबूल करेंगे, लेकिन आपने हर सवाल का जवाब मिलने के बाद एक नया सवाल किया, मैं इसका भी जवाब दिया, लेकिन आप बहस कर रहे हैं। मैं आपको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने का नहीं कह रहा, लेकिन आपको लोगों का एहसास नहीं कर रहे जो सवाल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। अगर आपके सवालात क्लियर नहीं हो रहे तो आप दोबारा लाइन में आ जाएं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो माफी मांगे और बराह करम स्टेज को छोड़ दें। डॉक्टर जाकिर नायक ने इंतजामिया से कहा कि इस शख्स से माइक ले लें, ये सिर्फ वक्त जाया कर रही हैं। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने मजमे से कहा, जो कोई स्टेज पे आए टू द पॉइंट बा सवाल करे और बाकी लोगों का वक्त जाया ना करे। नाजरीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।